हेलो एवरीवन वेलकम टू नायरा स्टडी आप, आप सब कैसे हैं आई हो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे जो कि पार्ट सेकंड है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलते हैं क्वेश्चन आपका हो जाता है तेरह चौदह दस बारह ग्यारह बारह तेरह दस और बारह का बहुलक है तो बहुलक क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है देखिए बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो उसको क्या कहते हैं तो उसको बहुलक कहते हैं तो इसमें बहुलक क्या हो जाता है आप देख सकते हैं इसमें देखिए आपका तेरह है तो यहाँ पे जो तेरा संख्या है वो कितनी बार आई है एक और उसके बाद दो बार आई है ठीक है ना आप ऐसे करके देख लीजिएगा और जो चौदह संख्या है वो कितनी बार आई है वो एक ही बार आई है है ना और उसके बाद अब यहाँ पे दस एक बार आया है और दस दो बार आया है यानी दस भी आपका दो बार आया है फिर यहाँ पे बारह देखिए एक बार हो गया दो बार हो गया तीन बार हो गया यानी बारह जो है वो तीन बार आया है यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार और देखिए ग्यारह भी आपका कितनी बार आया तो ग्यारह यहाँ पे एक ही बार आया है यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो आई है बारह यानी बारह आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है जो बहुलक है वो बारह है ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन आपका हो जाता है साइन 24 A, तब सत्य होगा जबकि ए बराबर है तो यहां पे क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो ए बराबर टू साइन ए सत्य होगा जबकि ए बराबर होगा तो ए बराबर होगा जीरो डिग्री तो यहाँ पे जीरो डिग्री यानी ए ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है एक घटना की प्राइ ता चार बटे सात है इसका प्रतिकूल संयोग अनुपात है तो प्रायिकता यहां पे क्या कह रहे हैं यहां पे प्रायिकता, प्रायिकता होती है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं ठीक है ना अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं हो जाता है और इसमें कितना है चार बटे सात हो जाता है प्रतिकूल संयोगानुपात यहाँ पे प्रतिकूल ही तो पूछ रहे हैं ना प्रतिकूल संयोगानुपात प्रतिकूल संयोगानुपात संयोगानुपात बराबर क्या है प्रतिकूल घटनाओं की संख्या यानी हम न, शॉर्टकट में लिख देते हैं प्रतिकूल घटनाओं की संख्या और आपका हो जाता है अनुकूल घटनाओं की संख्या क्या हो जाता है अनुकूल संख्याओं की अनुकूल घटनाओं की संख्या यहां तक हो गया उसके बाद आपका हो जाता है बराबर तीन बटे चार है ना तो यहाँ पे तीन बटे चार कैसे है जैसे देखिए सात यहाँ पे है आप देख ले सात और सात माइनस चार सात माइनस चार बराबर तीन तो तीन बचे ना तो तीन और आपका चार हो जाता है तीन और बटे चार इसलिए आपका तीन बटे चार आंसर राइट हो जाएगा और यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से तीन बटा चार कहीं पर भी नहीं है वैसे जो ये आपका ए ऑप्शन था पेपर में वो आपका सही था तीन बटे चार तो यही ऑप्शन आपका राइट होता लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से ये नहीं है ठीक है ना तो आप इसको समझ लीजिएगा और जैसा आए क्वेश्चन उस तरीके से आप वर्क कीजिएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ए बराबर साइन इस, यानी वन बरा वन माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में है वन प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निम्न में बराबर है तो अब आपको क्या देखे यहाँ पे समझिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है क्या है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है फिर कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए कॉस का उल्टा क्या होता है तो सेक होता है अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए बराबर एक बटा कोस ए बराबर देखिए कट गया तो कॉस कट गया तो बचा कितना एक एक बचा तो एक साइन यहाँ पे एक जो आपका हो जाता है तो एक का जो मान होता है वो कितना वो नब्बे का मान एक होता है ना साइन नब्बे का मान एक यानी यहाँ पे आपका नब्बे आएगा है ना साइन नब्बे डिग्री तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं साइन नब्बे डिग्री कहाँ पे है तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है देखिए साइन नब्बे डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है तीन मीटर चार मीटर एवं पांच मीटर नापों के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता है यानी कम से कम कपड़ा लगे लेकिन पूरा ढक जाए अब गिफ्ट का पैकेट कैसा होता है इस तरह से होता है इसमें कितने फलक होते हैं तो छः फलक होते हैं भाई घनाब में कितने फलक होते हैं तो छः तो ही तो होते हैं अब छः फलकों का क्षेत्रफल निकालना है अब छह फल जो जो छह फलक हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो घनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देख लेते हैं टू इंटू लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है आपका टू इंटू लंबाई गुड़े चौड़ाई ठीक है ना लंबाई गुड़े चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुड़े ऊंचाई चौड़ाई गुड़े ऊंचाई और आपका प्लस ऊंचाई और गुड़े लंबाई ठीक है ना ये हो जाता है तो यहाँ पे समझ लें अब यहाँ पे ये तो दिए नहीं है कि तीन मीटर चार मीटर और पांच मीटर अब आप किसी को भी मान सकते हैं जैसे आप किसी को लंबाई मानेंगे किसी को चौड़ाई मानेंगे और किसी को ऊंचाई मानेंगे तो यहाँ पे देखिए पांच आपका जो है वो आप मान लीजिए लंबाई क्योंकि लंबाई आप पांच यहाँ पे मान ले ठीक है ना तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई बराबर पांच ठीक है ना पांच मीटर है यहाँ पे तो मीटर पांच मीटर और उसके बाद आपका चौड़ाई कितना हो जाता है चौड़ाई हो जाता है चार मीटर ठीक है ना चौड़ाई चार मीटर और ऊंचाई कितना हो जाता है तो ऊंचाई हो जाता है तीन मीटर अब क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो सबसे पहले लंबाई गुड़े चौड़ाई तो आप पहले लंबाई को उठाएं लंबाई को उठाएं तो जो लंबाई है वो पांच हो गई गुड़े चौड़ाई कितनी हो गई तो चार हो गई यहां तो खो गया फिर प्लस आपका फिर चौड़ाई देखिए कितनी है तो चार है क्योंकि सूत्र है लंबाई गुड़े चौड़ाई चौड़ाई लंबाई गुड़े चौड़ाई चौड़ाई गुड़े ऊंचाई ऊंचाई गुड़े लंबाई ठीक है ना तो यहां पे चार हो गया अब यहां पे देखिए पांच लंबाई और आपका चौड़ाई हो गया फिर चौड़ाई और आपका ऊंचाई देखिए ऊंचाई कितना है तो तीन है ना फिर प्लस आप करेंगे फिर ऊंचाई आपका कितना है तो ऊंचाई आपका तीन ही तो है ना यहाँ पे देखिए ऊंचाई तीन है और गुड़े पाँच है इस तरह से आपने इसको कर लिया अब पाँच चक्कू बीस है ना बीस ये दो तो यहाँ पे चलेगा ही साथ में तो बीस यहाँ पे हो जाता है फिर प्लस का निशान लगाएंगे चार यहाँ कितना होता है तो बारह होता है फिर प्लस का निशान लगाएंगे तीन बच्चे पंद्रह होता है ठीक है ना अब इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे तो बीस बारह और पंद्रह ये टोटल आपका कितना हो जाता है तो यहां पे देख लेते हैं रफ करके देखिए बीस बारह और पंद्रह को देख लेते हैं बत्तीस आपका हो जाता है देखिए बीस बारह बत्तीस और पंद्रह सैतालीस हो जाता है और सैतालीस को क्या करेंगे दो से क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे है ना ये देखिए यहां पे है तो इससे गुड़ा भी तो करना रहेगा तो सैतालीस आपका और दो गुड़ा तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा दो सती चौदह चौदह के चार हासिल एक और दो चक्कू आठ और एक नौ यानी चौरानबे और मीटर है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर तो इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा चौरानवे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर अब देख लेते हैं इसमें कहीं पे ऐसा है ऑप्शन तो चौरानबे वर्ग मीटर ये देखिए और आप इसका सूत्र बहुत अच्छे से याद कर ले जो आपका हो जाता है फलकों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो ग, आपका घनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दो इंटू है ना क्योंकि वहां पे छिपा होता है जब आप इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ पे कोई निशान नहीं होता यानी ये गुड़े का होता है ना फिर आपका लंबाई गुड़े चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुड़े ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुड़े लंबाई और कोई कठिन नहीं है ऐसे लग रहा है ये बहुत बड़ा है लेकिन आप लंबाई से स्टार्ट करें लंबाई गुड़े चौड़ाई आपने कर दिया ठीक है फिर उसी चौड़ाई को आप फिर से उठा ले प्लस के बाद फिर ऊंचाई कर दें और उसी ऊंचाई को फिर से उठाकर फिर ऊंचाई गुड़े लंबाई कर दें है ना बहुत ही सिंपल है और फिर उसके बाद उसका गुड़ा कर दें और जो जोड़ने वाले जोड़ जैसे जो 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 गुड़ा करने के बाद जोड़ दें और उससे गुड़ा कर दें आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन आपका हो जाता है यदि रूट दो एन बराबर चौसठ हो तो एन का मान है यहाँ पे एन का मान निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे जैसे यहाँ पे रूट लगा हुआ है इसलिए आप बराबर की दूसरी तरफ स्क्वायर कर देंगे अब यहाँ पे समझ लेते हैं जैसे आपका यहाँ पे रूट है रूट दो एन बराबर चौसठ तो अब आपको क्या करना है एन का मान निकालना है तो एन का मान आप कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे आपका रूट दिए हुए हैं ठीक है ना जैसे दो एन बराबर चौसठ तो दो एन बराबर अब ये, जो रूट है, ये आप इधर लगा देंगे बराबर के इधर लगा देंगे अब चौसठ है ठीक है ना अब इसको क्या करेंगे तो दो एन और आप इस तरह से चौसठ को लिख सकते हैं ना जैसे चौसठ आपने लिया तो दो तीन छूना चार फिर दो एक्म दो दो छंग बारह और दो अट्ठी सोलह और दो चक्कू आठ यही तो हुआ ना दो चक्कू आठ और दो दूना चार और दो एक्म दो यानी एक दो तीन चार पाँच छ छः बार आपका दो आया तो यानी इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब आपका हो गया दो की घात यही तो हो गया ना दो की घात छ हो गया और यहाँ पे आपका दो लग गया अब क्या करेंगे यहाँ पे समझ लें ठीक है ना अब करेंगे ये दो एन आपका है तो इस दो एन को यहाँ पे लिख देंगे और बराबर में अब आपको पता है कि इस तरह से जब ए एम और गुड़े एन हो जाता है यानी इस तरह से आपका गुड़ा हो जाता है आधार समान हो तो घाते भी समान हो जाएंगी और घात के ऊपर घात है और उस पर पूरे पर घात है तो दोनों घातों का क्या होगा दोनों घातों का आपस में गुड़ा हो जाएगा तो जब दोनों घातों का आपस में गुड़ा हो जाएगा तो दो और यहाँ पे आपका इसी तरह से तो है दो छः और यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया लेकिन समझने के लिए तो जब इसका गुणा हो जाएगा तो छः दूना ये कितना हो जाएगा तो आपका दूना कितना हो जाएगा तो बारह हो जाएगा यानी टू एन बराबर टू टूवेल्व यही तो है ना अब यहाँ पे देखिए क्या है जो आपका आधार है वो समान है अब यहाँ पे क्या कहा गया कि घात के ऊपर घात है और उस पर पूरे पर घात है दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा और आधार अगर समान है देखिए आधार क्या होता है जो नीचे वाली संख्या होती है यहाँ पे देखिए दो ऐसे ऊपर लगी घात आधार क्या होता है जो नीचे की संख्या होती है इनको आधार कहते हैं और अगर आपका क्या हो जाता है अगर आधार समान है और बीच में बराबर का निशान लगा है वो भी आपका लगा है तो घात भी समान हो जाएंगी तो जब घात समान हो जाएंगी तो इसके क्या होगा जब आधार समान है और घात भी समान हो जाएंगी तो n बराबर 12 हो जाएगा यही तो हो जाएगा ना तो यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख ले इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या तो जी हाँ डी डी ऑप्शन में ये आपका दिए हुए हैं उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आठ सेंटीमीटर है और छः सेंटीमीटर है इसका परिमाप होगा अब कह रहे एक सम चतुर्भुज ऐसे अगर चतुर्भुज आपका बनता है तो कैसे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं यहां पे देखिए बराबर नहीं भुजाएं बनी है मान लेकिन आप मान लीजिएगा ठीक है ना तो यहां पे आपका वर्ग हो जाता है तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं अगर यहाँ पे ए है तो ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए है लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सम चतुर्भुज और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं बराबर होते हैं और नब्बे डिग्री पे न, इसमें जो कोण बनता है वो कितने नब्बे डिग्री का अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये क्या देखा वर्ग देखा है ना अब हम इसमें सम चतुर्भुज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो सम चतुर्भुज है तो इसको थोड़ा सा तिरछा किया जाता है और ये आपका सम चतुर्भुज हो जाता है यहाँ पे समचतुर्भुज ठीक है अब क्या करेंगे जब इसमें आप विकर्ण डालेंगे तो विकर्ण देखिए जब यहां से थोड़ा सा तिरछा है तो एक विकर्ण लंबा होगा एक विकर्ण कुछ छोटा होगा होगा ना अब इसको आप मान लें जैसे आपका ए हो गया बी हो गया सी और डी अब क्या करेंगे अब इसमें देखिए समकोण पर काटते हैं और सम विभाजित करते हैं ये इसका क्या हो गया ये देखिए विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि लंबाई इसकी बराबर नहीं होती क्योंकि जब ये थोड़ा सा झुकता है तो ऊपर की तरफ देखिए दोनों की तरफ देखिए हल्का सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लंबाई बढ़ गई जब ऐसे होगा तो लंबाई तो बढ़ेगी तो ये इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं इसी वजह से विक एक विकर्ण क्या होता है एक विकर्ण लंबा हो जाता है क्या हो जाता है एक विकर्ण लंबा हो जाता है और एक विकर्ण क्या होता है तो छोटा रहता है और ये इसकी क्या है ये इसकी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है यहाँ पे एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आठ सेंटीमीटर है और छः सेंटीमीटर है इसका परिमाप क्या होगा इन्होंने परिमाप की बात की है तो पहले हम पाइथागोरस पर से करेंगे तो पाइथागोरस पर से अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जैसे Uh, क्योंकि आधा आधा जैसे आठ है और छः है तो भाई आ, आठ है तो ये जो पूरे का आठ है तो पूरे का जब आठ होगा तो आधे का कितना हो जाएगा तो चार हो जाएगा और ये पूरे का छः है तो आधे का कितना हो जाएगा तो तीन हो जाएगा यही तो हो जाएगा ना तो जब तीन हो जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे और यहाँ पे आपका ओ हो गया है ना यहाँ पे आपका ये जो है आपका ओ हो गया अब ओ ए या ए मान लें इस तरह से ए बी ए बी आपका जो है पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है पाथागोरस पर तो बी बराबर ओ, ओ और ए, ठीक है ना ओ और ए स्क्वायर प्लस ओ ओ और बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर अब आपका हो जाता है ए स्क्वायर बराबर यहां पे नो दिए हुए हैं है ना नो है तो नो आपका यहां पे हो जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं पाइथागोरस पर में ए बी स्क्वायर और आपका हो जाता है देखिए यहां पे आप समझ लें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर नौ प्लस छ यानी सोलह यहाँ पे ये किस तरह ये आप लोग जानते हैं कि देखिए इसमें विकर्ण जो होते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं क्योंकि हल्का सा ये झुका हुआ होता है इसका थोड़ा सा क्या होता है सम चतुर्भुज जो होता है वो इस तरह से हल्का सा तिरछा होता है तो जब तिरछा होता है तो क्या होता है एक विकर्ण बड़ा और एक विकर्ण छोटा हो जाता है है ना तो जो आठ था उसको हमने चार देखिए आठ का आधा चार कर दिया और जो वो तीन कर दिया तो तीन, तीन नौ और चार चक्कू सोलह अब इनको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे तो पच्चीस बने ठीक है ना और ए स्क्वायर है ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा तो पच्चीस अब यहाँ पे पच्चीस हो गया और जब ए करेंगे तो ये, ये जो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और इसका मतलब क्या होता है कि रूट का मतलब क्या होता है कि इसको तोड़ना होता है तो पचम पच्चीस है ना तो पांच आंसर यहाँ पे आपका आ गया अब क्या कह रहे हैं कि इसका परिमाप होगा तो परिमाप क्या होता अगर जो भुजा जैसे यहां पे पांच आया तो पांच पांच और पांच और पांच यानी पांच दुना दस या दुना दस और दस दस बीस हो गए आप यानी कि यहाँ पे बीस आंसर निकल कर आ जाता है और ऐसे भी भुजा ये भी तो होता है ना परिमाप क्या होता है किस ऑप्शन में बीस है तो बीस सेंटीमीटर क्योंकि सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आपका हो जाता है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन है साइंस सिक्सटी का मान होगा तो ये तो आप तभी कर पाओगे जब आपको मान याद होगा तो साइन सिक्सटी का मान आपका हो जाता है रूट थ्री बाई टू ये आंसर हो जाता है फिर आपका तेरह इकतीस का घन मूल है तो तेरह इकतीस किसका है तो आपको अगर याद है तो आप अच्छे से कर पाएंगे कि जो ये 13 इकतीस जो घनमूल है वो ग्यारह का होता है ठीक है ना तो इस तरह से आप कम से कम पंद्रह तक तो याद ही कर लें जो आपका जैसे कहते हैं ना सेकेंडों में आंसर हो जाएगा वैसे आप इसको काटने बैठेंगे फिर इसको समझेंगे तो इसमें लगेगा टाइम और आपको पता है टाइम तो ज़्यादा होता नहीं है एक ही घंटे का टाइम मिलता है तो जो चीजें याद करने वाली हैं रटने वाली हैं तो उनको तो आप बहुत अच्छे से याद कर ले रट ले ठीक है और जो चीजें नहीं याद करने वाली जो समझने वाली हैं तो वो तो समझ कर ही आप कर पाएंगे है ना फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रूट चार ये देखिए रूट है और ब्रैकेट में चार की घात तीन प्लस पंद्रह की घात दो और ब्रैकेट के बाहर तीन का तीन है इसका मान आपको निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है जो ये करनी होती है और कोई नंबर नहीं होता इसका होता मतलब है वर्ग, है वर्ग ना और जो आपका ये देखे, चार की घात तीन प्लस पंद्रह की घात दो इसका मतलब क्या हुआ देखिये चार चक्कू सोलह चक्कू चौसठ ये यानी तीन बार तो चार गुड़े चार गुड़े चार यानी चार, चार चक्कू सोलह चक्कू चौसठ ये हो जाता है, है ना प्लस ये आपका कितना हो जाता है तो आप जब पंद्रह का निकालेंगे यानी यहाँ पे दो पंद्रह को पंद्रह से कर दो तो कितना होगा दो सौ पच्चीस होगा है ना तो पंद्रह गुड़े पंद्रह बराबर आपका हो जाएगा दो सौ पच्चीस तो दो सौ पच्चीस यहाँ पे आ गया अब इसको क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं चौसठ चौसठ प्लस दो और क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे आप लगा देंगे और ब्राइकेट में आपका ब्राइकेट के अंदर है ना तो यहाँ पे आप इस तरह से कर देंगे फिर देखिए इसको जब आप प्लस करेंगे तो जैसे ये चौसठ और 225 को आप जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आपको आंसर मिलेगा तो दो नवासी आंसर आपको मिलेगा क्योंकि ये रूट में है तो रूट ही में रहेगा और ऊपर ये आपका घन लगा हुआ है ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए क्या करते हैं ये किसका है आपका देखिए यहां पे तो हम इसको अगर पता है तब तो आप सेकेंडो में कर सकते हो लेकिन नहीं पता है तब आपको इसका क्या करना होगा इसका आपको निकालना होगा वर्गमूल है ना तो वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे जैसे आपका दो नवासी है ना दो नवासी तो आप वही प्रक्रिया करेंगे जोड़े बनाएंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे लेकिन जब आपने याद कर रखा है तो ये आपको पता है कि सत्रह का होता है तो आपको पता है सत्रह का होता है इसलिए हमने सत्रह लिख दिया और ऊपर लगा दिया क्यूब अब क्या करेंगे सत्रह इसका मतलब क्या हुआ कि सत्रह को तीन बार सत्रह गुड़े सत्रह गुड़े सत्रह सत्रह गुड़े सत्रह गुड़े सत सत्रह तो इसका मतलब जब आप सत्रह को सत्रह से गुणा करेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको सत्रह से गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आता है वो चार हजार नौ सौ और तेरह इतना आंसर आपका निकल कर आता है ठीक है ना तो यही आपका आंसर हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ है लेकिन होते वो बड़े इजी हैं और उनको बड़ा आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है छब्बीस है प्लस बत्तीस स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू चौसठ स्क्वायर यानी जहां पे आपका ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब होता है मान बताओ है ना कि यहां पे क्या चीज आएगी इसका मतलब होता है यहां पे भाई क्या चीज आएगी तो जहां पे कुछ पता नहीं होता है तो वहां पे क्या कर देते हैं हम उसको एक्स मान लेते हैं और अगर देखिए 26 का आप वर्ग निकालने बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है वैसे जब नहीं भाई आपको कोई ट्रिक पता है या कुछ ऐसा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे उस कंडीशन में तो आपको क्या करना रहेगा छब्बीस छब्बीस का आप क्या करेंगे गुड़ा करेंगे फिर उसके बाद देखिए क्योंकि दो बार है फिर बत्तीस और बत्तीस का आप गुणा करेंगे यही तो है ना यही तो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हम आपको बताते हैं देखिए क्या करना रहेगा आपका यहाँ पे मान लीजिए छब्बीस है मान लीजिए क्या हाई है छब्बीस ठीक है ना तो जो छब्बीस है और छब्बीस का स्क्वायर है अब आप क्या कर ले दो दूना चार और उससे पहले एक जीरो लगा लें इस जीरो का मतलब ये जो नंबर के बाद जीरो होता है तो इसका तो कोई मान नहीं होता है क्योंकि इधर हम कितने भी जीरो लगा लें लेकिन ये रहेगा चार ही लेकिन इसलिए हम ये बता रहे हैं कि अगर इधर ऐसी संख्या आ जाती है आपके राइट हैंड की तरफ तो आपका जीरो का मान कितना बढ़ जाता है तो दस गुना मान बढ़ जाता है ना तो इसलिए जब आदत रहेगी कि अगर चार पाँच छ यानी नौ तक कोई भी संख्या है तो उससे पहले आप जीरो लगा दें आपने लगा दिया फिर आपका कितना हो गया फिर आपका देखिए इसका जब आप पढ़ेंगे तो इसी को इसी से छे छाओ छत्तीस छत्तीस हो गया अब ये आपकी इतनी संख्या बन के आ गई उसके बाद दो छंग बारह दूना चौबीस ये इसका आप करेंगे दो ये दो और ये छः दोनों का पहाड़ा पढ़ लेंगे दो छंग बारह और बारह दूना चौबीस अब देखिए एक संख्या आप छोड़ दें यहाँ पे आपने एक संख्या छोड़ दी अब एक संख्या छोड़ने के बाद ये जो चौबीस आंसर यहाँ पे आया है वो आप यहाँ पे चौबीस आंसर लिख देंगे ऐसे लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है इससे आसान तो हम वैसे ही कर सकते हैं कि छब्बीस बुढ़े छब्बीस हम इस तरह से कर सकते हैं लेकिन ये आप लोगों को बहुत ही आसान लगने वाला है प्लस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कराने वाला है ठीक है जब समझ में आ जाएगा तब आप मिनटों में सेकेंडो में इसको कर लेंगे अब देखिए यहां पे छे है तो छे ही रहेगा तीन और चार सात है तो सात हो जाएंगे चार और दो छ है तो छ देखिए छ सौ छिहत्तर आ गया अभी देखो टाइम लगा है अभी जब नेक्स्ट करेंगे तो उसमें इससे कम टाइम लगेगा फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा तो यहाँ पे जो ये छब्बीस है इसका जो निकल कर आता है आंसर वो आपका हो जाता है छ ठीक है उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दिया अब यहाँ पे आपका बत्तीस है ठीक है ना तो बत्तीस को भी हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं देखिए बत्तीस स्क्वायर तो तीन तिया कितना होता है तो तीन तिया आपका नौ होता है है ना तो जीरो लगा दिया और नौ लिख दिया ये आदत है सिर्फ इधर वाले अगर जीरो की बात करें तो ये आदत की वजह से हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आपकी आदत पड़ जाए और दो दूना चार है ना तो दो दूना चार अब देखिए यहाँ पे वो चीज आ गई कि चार यहाँ पे देखिए दस गुना मान बढ़ेगा ना फिर तीन दूना छः दूना बारह है ना तो एक संख्या यहां पे छोड़ के यहां पे आपने बारह लिख लिए अब यहां पे हम आंसर लिखेंगे चार दो और यहां पे कितना था नौ एक दस 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 यहां पे आपका आ जाएगा यानी एक हजार चौबीस यानी जो आपका बत्तीस का है आंसर आएगा एक हजार चौबीस एक हजार चौबीस उसके बाद प्लस है प्लस कर देंगे और यहां पे मान नहीं पता है तो उसको एक्स कर देंगे और फिर बराबर में है चौसठ तो चौसठ को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए वही प्रक्रिया करेंगे यहां पे छः चार छत्तीस ठीक है ना तो छत्तीस लिख दिया चार चार चक्कू सोलह है ना तो छः छछाक छत्तीस और चार चक्कू सोलह हो गया और छः की छः बारह छः छच चौबीस दूना अड़तालीस तो एक संख्या छोड़कर हमने अड़तालीस यहाँ पे लिख लिया अब देखिए छः आठ और एक नौ छः चार दस का जीरो हासिल लगा एक तीन और एक चार यानी आपका चार जीरो छियानवे ये निकल कर आ गया आप यहाँ पर चौसठ का जो मान निकल कर आया है वो आया है आपका चार जीरो नौ और यहाँ पे जगह ना होने की वजह से हमने इतना लिख दिया है ठीक है ना अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे अब आपका हो जाता है जो ये दोनों ये है इनको जोड़ देना है यही तो करना है तो जब हमने छह सौ छिहत्तर और एक हजार चौबीस को जोड़ा तो यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आया सत्रह और प्लस आपका x है तो x ही रहेगा और बराबर में आपका चार ज़ीरो नौ छः है तो ये हो जाएंगे अब क्या करेंगे x को बराबर के इधर रखेंगे और नंबर को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमने क्या किया x को उठा लिया उसके बाद आपका जो नंबर है चार हजार छियानवे क्योंकि अब ये संख्या बराबर के उधर जाएगी तो ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी यही तो है माइनस में हो गई अब देखिए एक्स का मान निकल कर क्या आता है अब जब माइनस कर लिया तो आंसर आपका निकल कर आया दो हजार तीन सौ छियानवे ये आपका आंसर हो जाता है ठीक है ना तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और जो ट्रिक बताया है वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कराने वाला है आप लोग इससे जब इस तरह से करेंगे ना तो आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा और आपका बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा वरना इसमें तो आपको छब्बीस का पहले निकालें फिर बत्तीस का निकालें फिर चौंसठ का निकालें फिर उसके बाद उसको प्लस करें फिर माइनस करें भाई तो टाइम तो लगता ही लगता है है ना थोड़ा ट्रिक यूज कर लेंगे कुछ चीजें याद कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है एक से पचास तक की संख्याओं का औसत माध्य है अब यहाँ पे औसत माध्य निकालना है अब एक से पचास तक यानी भाई हम लिखना स्टार्ट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे ऐसे हम पचास तक लिखते चले जाएंगे ठीक है बहुत टाइम लगेगा लगेगा तो वही है तो अब हम देखिए एक फॉर्मूला लगाते हैं वो आपका हो जाता है औसत औसत ही तो निकालना है तो औसत हो गया बराबर संख्याओं का योग यहां पे हो जाता है संख्याओं का योग और आपका हो जाता है कुल संख्या कुल संख्या अब संख्याओं का योग और कुल संख्या अब इसको कैसे आप करेंगे देखिए इस तरह से आप लिखते हैं एन एन प्लस वन बटे टू बटे पचास इस तरह से कर सकते हैं यानी जो नंबर है फिर नंबर प्लस एक फिर दो और उसके बाद पचास ठीक है अब देखिए नंबर पचास है टोटल नंबर पचास है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए पचास हो गया और उसके बाद आपका नंबर ये पचास यहाँ पे होंगे ना तो पचास और एक कितना हो गया इक्यावन हो गया तो इक्यावन यहां पे लिख देंगे उसके बाद बटे में दो है दो लिख देंगे और उसके बाद आपका पचास है तो पचास लिख देंगे अब देखिए यहां पे समझिए यहां पे क्या देखिए अब पे समझिए देखिए दो से आपका ये पचास दो एक दो दूना दो चार और यहाँ पे दो बचे तो दो पंजे दस है ना पच्चीस यहाँ पे बच गए तो आपका जो बचता है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं तो आपका पच्चीस और आपका कितना बचता है गुड़े क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं यानी गुड़ा ही तो होता है ना तो आपका इक्यावन हो जाता है और बटे आपका कितना हो जाता है तो पचास हो जाता है अब यहाँ पे समझे पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस दूना पचास हो गया अब आपका जो बचा तो वो कितना देखिए इक्यावन बटे दो यही तो बचा ना अब इक्यावन बटे दो को आप भाग कर देंगे और जब भाग करेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा पच्चीस पॉइंट पांच और आप इसमें देख लें ऐसा कुछ ऑप्शन है पच्चीस पॉइंट पांच ये देखिए आपका बी ऑप्शन में है यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन है प्रथम दस का है तो प्रथम सम संख्या तो संख्या कौन कौन सी होती है यहां पे समझ लेते हैं सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में समझेंगे तभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो प्रथम कह रहे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से तो सम संख्या कौन होती है जो खुद से कट जाए और किसी और संख्या से भी कट जाए है ना और सम ये तो आपका दो हो जाता है सम अभाज्य सम संख्या ये आपकी होती है, है ना तो यहाँ पे दो कौन सी है तो सम संख्या है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह और आपका अठारह और बीस कितनी कह रहे हैं दस तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये आपके हो गए अब क्या करना है इसका औसत निकालना है तो जब आप औसत निकालेंगे तो इसमें क्या करना रहेगा जैसे आपका ये दो है प्लस दो प्लस चार प्लस छ दो चार छ आठ आपका दस बारह चौदह सोलह अठारह और बीस ठीक है ना यहाँ तक आपका हो गया बटे में कितना रहेगा तो बटे में आपका रहेगा दस यानी जो संख्याएं हैं उनका योग और संख्याएं जो जितनी होती हैं वो तो यानी दस संख्याएं तो दस अब यहाँ पे देखिए टोटल संख्या जब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 110 निकल कर आएगा जब ये दो चार दो चार छः दूनी बारह बारह आठ बीस और दस तीस इस तरह से पूरा आप इसको जोड़ लेंगे तो आपका 110 निकल कर आएगा नीचे आपका 10 दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है जीरो से जीरो कट गया और आपका कितना बचा तो एक ग्यारह बच्चा यानी यहाँ पे ग्यारह आंसर आ गया अब आप फार्मूला फार्मूला देख ले क्योंकि फार्मूले से आप करेंगे तो आसान रहेगा आपको ज्यादा तो फॉर्मूला हो जाता है एन यानी नंबर है ना फिर उसके बाद एन प्लस वन ये आपका हो गया और उसके बाद देखिए इस फॉर्मूले से आप जब करेंगे तो नंबर आपके जो हो जाएंगे दस और प्लस एक ग्यारह है ना और टोटल ये वाले नंबर तो दस और गुड़े ग्यारह तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पे जब आप इसको भाग कर देंगे तो आपका ग्यारह ही आंसर निकल कर आ जाएगा ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ठीक है ना फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्रथम दस विषम संख्याओं का औसत तो प्रथम आपकी दस विषम संख्याएं जो हो जाती है कौन कौन सी हो जाती हैं तो विषम संख्या देखो ऐसे तो एक जो संख्या होती है वो ना तो भाज्य ना अभाज्य यहां पे विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह और उन्नीस ठीक है ना तो यहां पे कितनी संख्या है? पूछ रहे हैं दस तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस हो गई अब क्या करना है दस जो संख्याएं हैं आपकी इनको आपको क्या करना है देखिए सौ और बटे आपका दस से आपको क्या कर देना है भाग कर देना है तो एक जीरो एक जीरो कट गया तो आपका कितना निकल कर आया आपका दस निकल कर यहां पे आ जाता है और अगर आप सूत्र की बात करें तो सूत्र आपका हो जाता है एन स्क्वायर और आपका क्या करेंगे एन स्क्वायर जो होता है वो कितना जैसे यहां पे दस संख्याएं हैं दस है संख्या तो दस का स्क्वायर आप कर दें दस का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा सौ और आप इसको जो है भाग कर देंगे तो कितना बचेगा दस है ना तो यहां पे आपका दस आंसर आ जाएगा तो आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना ठीक है ना यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर है यानी 100 बन जाता है और नीचे 10 से आप इसको भाग कर देंगे तो यानी आपका 10 आंसर निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन आपका 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है तो बहुलक किसको कहते हैं जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो तो यहां पे तो ऐसे ही आप दे सकते हैं देखिए 1 एक ही बार है 2 भी एक बार है 3 भी एक बार है 4 भी एक बार है लेकिन जीरो दो बार है यानी यही आपका आंसर हो जाता है उसके बाद आपका हो जाता है दो छः दस चार आठ में माध्यिका है माध्यिका मतलब क्या होता है जो सबसे बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहां पे लिखी हुई है वो, वो बीच की संख्या इसको आपको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आप देखें दो संख्या जो है वो सबसे पहली संख्या तो हमने दो को लगा लिया फिर दो के बाद चार आ गया तो चार को लगा लिया फिर चार के बाद छ को लगा लिया फिर छः के बाद आठ और आठ के बाद दस अब देखिए इसमें बीचों बीच में संख्या कौन है तो ये आपकी छे है तो इस तरह से आपका छह आंसर अगर इस तरह से आप करेंगे तो तो आपका आंसर गलत आएगा और पहली बात ये नियम नहीं है आपको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है फिर उसके बाद आपको सबसे जो बीच की संख्या है वही आपको करना है वैसे तो आप इसको सूत्र से कर पाएंगे जैसे विषम का अलग सूत्र होता है और सम का अलग होता है लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप इस तरह से बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन है आपका दो की घात सात का मान कितना होगा यानी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ये यह कह रहे हैं दो की घात सात यानी इसका मतलब क्या है कि दो को सात बार दो गुड़े, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो एक दो तीन चार पाँच छ और सात ठीक है दो दो चार दो आठ दो सोलह दो न बत्तीस दो चौसठ और चौंसठ दूना एक सौ अट्ठाईस यही तो हुआ ना तो यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आपका हो जाता है एक सौ अट्ठाईस ये आपका ए ऑप्शन है उसके बाद है चार और करणी में ऊपर चार है और सात के समतुल्य कर्णी होगी तो यहाँ पे देखिए चार है ऊपर चार की घाट चार ये भी नहीं है फिर चार करणी दो पाँच छः ये भी नहीं है चार करनी एक सात नौ दो ये भी नहीं है यानी इनमें से कोई नहीं यही आपका राइट आंसर है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का सेशन कंप्लीट होता है हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक और पार्ट आएगा उसके बाद ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन चीज़ें उतने ही जितने ही आप लोगों को समझ में और जितने इसमें फार्मूले बताए गए हैं जो भी चीज़ें हैं इनको अच्छे से समझिए चीज़ों को रटने वाला हो तो रट भी लीजिए क्योंकि रटने में कोई ये नहीं होता है कि हाँ हम बैठ के अब रटेंगे क्या लेकिन हाँ बिल्कुल आप रट सकते हैं क्योंकि जब नहीं रटेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा ठीक है ना तो आप चीजों को समझें जो चीज़ याद करने वाली है उसको याद भी करें क्योंकि मैन मोटिव क्या है कि एग्जाम अच्छा हो यही तो है ना तो एग्जाम हो अच्छा तो उसके लिए हमें अच्छी तैयारी भी करनी है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें थैंक यू